नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो भी खबर बताई जाती है बिल्कुल सही खबर बताई जाती है। यहाँ पर देश विदेश और सभी राज्यों की खबरें बताई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि 3 दिसंबर से देश भर में कुछ नए नियम लागू होंगे, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और केंद्र सरकार से भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी प्रकार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी के बटन को जोर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आई है पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर। सरकार ने खाता धारकों को एक बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि पीएमसी बैंक खाता धारक आपातकाल स्थितियों में तय सीमा से दोगुनी राशि निकाल सकते हैं। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि 78% खाता धारकों को पूरी जमा राशि निकालने की मंजूरी दे दी गई है, ये लोग छोटे खाता धारक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे खाता धारकों की चिंताओं का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों अगली ताजा बड़ी खबर की बात करते हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल तीनों कंपनियां आज 3 दिसंबर से अपने टैरिफ बढ़ाने जा रही है। 3 दिसंबर से टैरिफ बढ़ने के कारण इनके प्लान महंगे हो जाएंगे। तीनों कंपनियों ने अपने प्लान में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है। कहने का अर्थ ये कि तीनों कंपनियों ने 50% अपने प्लान महंगे कर दिए, आज 3 दिसंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। कंपनियों ने इसकी सूचना पहले भी कर दी थी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दी कि जियो ने भी अपने प्लान महंगे कर दिए। जियो के प्लान 6 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। जियो कंपनी ने भी अपने प्लान में 42% की वृद्धि कर दी है और नए प्लान 6 दिसंबर से पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। अगला ताजा नया नियम आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आप बिना डॉक्यूमेंट के भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आइए मैं आपको बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि आधार कार्ड प्रत्येक शख्स के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड की अहमियत पहले से बढ़ गई है, कई बार इसके बिना काम रुक जाता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, लेकिन अब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बिना डॉक्यूमेंट आधार बनवाने की सुविधा दी है। दोस्तों सरकार ने कहा कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी कार्ड है उसके आधार पर आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली ताजा बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि 3 दिसंबर से शुरू होगी भारतीय रिजर्व बैंक की बड़ी बैठक है। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज 3 दिसंबर से होगी। इस दिन दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी 5 दिसंबर को दी जाएगी। इस बैठक के बाद क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे वो हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो अगला वीडियो हमारा 5 दिसंबर को इसी के बारे में आएगा, तो आप उस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अगर दोस्तों आप भी SBI बैंक के ग्राहक हैं तो इस बात को जरूर जान लें, 31 दिसंबर तक जरूर कर लें ये काम, वरना नहीं निकाल पाएंगे ATM से पैसा। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर 31 दिसंबर तक ग्राहकों ने अपना पुराना ATM कार्ड नहीं बदलवाया तो 1 जनवरी से पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है वित्तीय संकट से गुजर रही देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां भले ही कॉल रेट्स और टैरिफ चार्ज बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन भारत लगातार दूसरे साल भी प्रति GB मोबाइल डेटा चार्ज के मामले में दुनिया भर में शीर्ष पायदान पर काबिज होने में सफल रहा। ये लगातार दूसरा साल है जब प्रति GB मोबाइल डेटा खर्च के मामले में भारत पहले पायदान पर है। इसके पहले 2018 में भी भारत दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा ऑफर करने वाला देश था। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है 35 मिनट में 100% चार्ज होगा रियलमी X2 प्रो, जाने कितनी है 64 MB कैमरे वाले फोन की कीमत। दोस्तों मैं आपको बता दें कि इस फोन की सबसे खास बात इसका कैमरा तो है, लेकिन बैटरी के मामले में भी इसने कई फोनों को पीछे छोड़ दिए। रियलमी X2 प्रो को 2 वेरियंट 8 GB प्लस 128 GB और 12 GB प्लस 256 GB में लॉन्च किया गया। इसके लिए 8 GB प्लस 128 GB की कीमत 29,999 रुपए रखी गई है और 12 GB प्लस 256 GB वेरियंट की कीमत 33,999 रुपए है।